हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरत के बहुत ही फेमस रेसिपी सेव खमनी। इसमें खट्टा, चटपटा और मीठा टेस्ट आता है जो कि बहुत मज़े का लगता है। अभी मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आई, तो उम्मीद रखती हूँ आप सबको भी अच्छी ही लगेगी। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। तो सेव खमनी को बनाने के लिए हमें एक कप चना दाल को करीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। जब आप इसे भिगो कर रखोगे ना, तो ये फूल के अपने साइज से डबल भी हो जाएगी, बिल्कुल नरम भी हो जाएगी। तो उस स्टेज पर इसका जो पानी है वो हमें निकालना है। उसके बाद हम लेंगे जार और इस जार के अंदर ये जितनी भी दाल आती है उतनी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियाँ, 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में ही 5 से 6 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची से एक चटपटा सा टेस्ट आएगा सेव खमनी में, तो इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा डालें। अब इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद इसे पल्स मोड पे पीस लेंगे। पीसते समय आपने स्पैचुला या चम्मच से मिश्रण को इस तरीके से ऊपर नीचे जरूर करना है, ताकि जो ऊपर का जो दाल है वो नीचे चली जाए और नीचे की दाल ऊपर आ जाए। इसे इक्वल मात्रा में जो दाल है वो पीसेगी। पीसने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो हमें हल्का साथ दरदरा रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं, हल्का सा दरदरा इसका ये टेक्सचर है। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से या कम ज़्यादा डाल लें। अब इसके अंदर डालेंगे 1 सैशो इनो का। भाई, इनो डालने से जो सेव खमनी है उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ में ही इसके 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड करके अब इसे एक ही डायरेक्शन में चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आधा पौना मिनट जब इसको हम मिक्स कर लेंगे, तो ये जो बैटर है फूल कर अपने साइज से डबल हो जाएगा। बस इसी स्टेज तक इसको हमें मिक्स करना है, उसके बाद मिक्सिंग को रोक देना है। तो अभी मुझे बैटर की जो कंसिस्टेंसी वो काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने 2 टेबलस्पून पानी और इसमें डाल दिया है। तो डालने के बाद इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया था, जिसमें से मैंने 3/4 कप पानी यहाँ यूज़ कर लिया है। आपको हो सकता है 1/2 टेबलस्पून ऊपर नीचे हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 टेबलस्पून ऊपर भी डल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये आपने ध्यान रखना है। तो बैटर अभी बिल्कुल तैयार हो गया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप वो चेक कर सकते हैं। ये बैटर ना तो बिल्कुल गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो मीडियम टेक्सचर का हमें ये बैटर रखना है। अब इसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं। हम आँच पर बर्तन रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल को डाल देंगे। आप यहाँ घी भी ले सकते हैं। अब जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें 1/2 छोटी चम्मच राई डालेंगे और इसे भून लेंगे। हल्का सा भून जाए, उसके बाद हमने जो ये बैटर तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और अभी आँच को बिल्कुल धीमे पर रख देंगे। इसके बाद इसमें मैं करीबन 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें कलर बहुत बढ़िया आए। तो बस स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है। अब जब सारी चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हो ना, तब भी इसको डाल सकते हैं। वैसे अभी भी डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आँच को हमें धीमे पर ही रहने देना है और स्पैचुला से इसको लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। बीच में आपने स्पैचुला को बॉटम पर अच्छे से घिसाते ज़रूर रहना है, ताकि जो ये मिश्रण है वो तली पर चिपके नहीं। अब जब आप इसको थोड़ा सा पका लोगे, तो जो ये मिक्सचर है पहले के मुकाबले थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और हल्दी वगैरह अपना जो कलर है वो भी छोड़ देगी, जैसे आप यहाँ पहले के मुकाबले इसके कलर में भी फ़र्क देख रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे आँच को हम बिल्कुल धीमे पर ही रहने देंगे और बस इसको हम ढक्कन लगाकर जो है करीबन अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि जो ये मिक्सचर है इसके अंदर की नमी ख़त्म नहीं हो जाती और ये अच्छे से कुक होके बिल्कुल क्रम्बली नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट के गैप में आपने इसको अच्छे से उलटते पलटते रहना, मिक्स करते रहना, और ध्यान रखिएगा कि जो बॉटम है ना उसके ऊपर ये जो मिश्रण है, पेस्ट है, वो लगना नहीं चाहिए। अगर वो लगा हुआ है तो आप स्पैचुला या चम्मच से उसको ज़रूर छुड़ा दें। जैसे शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर उसको ऐसे ही तली पे रहने देंगे ना, तो वो जल जाएगा। जलने की वजह से सेव खमणी में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान रखते हैं खमणी को पकाते समय। तो अगली क्लिप जो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये करीबन 15 मिनट के बाद की है। अभी इसका टेक्सचर बिल्कुल डो जैसी फॉर्म में तो आ गया है, पर अभी ये क्रम्बली नहीं है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अभी नमी इसके अंदर है और दाल भी अच्छे से कुक नहीं हुई है। तो अब इसको हम दोबारा से ढककर ऐसे ही धीमी आँच पर पकाएंगे। बीच बीच में अगेन इसको अच्छे से आपने चलाते जरूर रहना है। अब इसको यहाँ पर धीमी आँच पर 25 से 26 मिनट कुक करने के बाद इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, पहले के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो गया, क्रम्बली सा मिक्सचर हो गया है, साथ में इसके अंदर की नमी भी ख़त्म हो गई है। अभी दाल यहाँ पे बहुत अच्छे से कुक हो गई है। वैसे अगर आप इसको चेक करना चाहें, तो उसके लिए आप पहले एक इसका पीस उठा लें और उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से इसको रब करके देखें। तो अब अगर ये मिक्सचर
गीला है तो वो आपकी उंगलियों पे चिपक जाएगा, पर अगर ये अच्छे से कुक हो गया है तो वो इस तरीके से क्रम्बल होके गिरना शुरू हो जाएगा। तो बस ऐसा ही हमें इसका टेक्सचर रखना है। तो अभी जो हमारी खमनी है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है, इससे ज़्यादा भी इसको हमें पकाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस अब बारीक चॉप करके इसमें हम धनिया डाल देंगे। धनिया की जो क्वान्टिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, और साथ में ही एक टेबल स्पून डाल देंगे नींबू का रस। इससे खमनी में खटास खट्टापन आएगा जो कि बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो बस अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी खमनी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम ढक कर साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाएंगे जिससे सेव खमनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लेंगे एक बर्तन, आप इसकी जगह जो है तड़का पैन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक टेबल स्पून ऑयल को डालेंगे और उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। मैंने यहाँ सूखी वाली करी पत्ता ली है, अगर आपके पास ताज़ा करी पत्ता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। 3 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को मैंने चीरा लगाया है, आप चाहें तो यहाँ बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में 1/2 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। अब मीठे के लिए इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी खांड। आप यहाँ चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी या देसी खांड की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। खमनी में आपको मिठास जितनी ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको बिल्कुल बैलेंस चाहिए, मतलब तीखा और चटपटा बराबर टेस्ट में आए, या फिर इससे थोड़ा सा कम चाहिए, तो आप यहाँ इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे ना उस हिसाब से आप मीठा इसमें डाल दो। अब करीबन 3 टेबलस्पून के आसपास इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जो हमारी चीनी या मीठा जो भी हम डाल रहे हैं वो अच्छे से खुल जाए। अब आप मीडियम पे या फिर तेज़ आँच पे इसको अच्छे से पका लें। जब आपको लगे कि जो चीनी है या फिर देसी खांड है अच्छे से घुल गई है, बस उसके बाद आँच को बंद कर देंगे और ये हमारा तीखा चटपटा पानी डाल देंगे हम खमनी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय आप चाहें तो आँच को ऑन करके धीमे पे इसको 1-2 मिनट और पका सकते हैं ताकि जो पानी है वो अंदर तक खमनी के चला जाए। तो बस अभी हमारी सेव खमनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। बस अब इसको गर्म गर्म सर्व कर लेंगे। सर्व करते समय इसके ऊपर हम यहाँ में थोड़ी सी सेव और अनार के दाने डाले हैं, इससे ये देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो सेव खमनी को अगर गरम गरम खाओगे ना तो इसका अपना ही अलग मज़ा है। तो आप इसको बनाना ज़रूर भी, और बनाने के बाद घर में सबको कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना भाई इसको, आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईजी सी रेसिपी पसंद है जिसको आप बहुत आसानी से घर पर बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।